हेलो दोस्तों, आपका अमेजिंग बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ तनीषी हूँ और आज का जो मैं आपको बताऊंगी वो थोड़ा अलग है। क्या अलग है जानते हैं? कभी कभार हम पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग अजीब अजीब चीज़ें आ जाती है मन में। कैसी चीज़ें? जैसे कि आजकल जो टीवी है, फोन है, उसमें आप देखते होंगे कि कुछ लव सीन्स भी आपको दिखते होंगे। और हम फिर जानते हैं, आप मेरा एग्जांपल लीजिए, जैसे कि मैं उन्हें देखती थी और फिर रात को उन्हीं के साथ उसे सपने में सोचती थी कि मतलब ऐसे ऐसे वो करते होंगे। तो ये हमारी पढ़ाई, हमारे काम, ये बहुत ही आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप जानते हैं ये सब बातें क्यों डिस्ट्रैक्ट करेंगे? आप जानते हैं ये बातें क्यों आती हैं? क्यों आती हैं भला, सोच रहे होंगे ना आप? क्योंकि जब हम बड़े होते हैं, ग्रोइंग एज 10 से 12 साल होती है, ग्रोइंग 10 से 19 इयर्स, जैसे कि आप टीनेज 10 से 15 16 वर्ष, जैसे कि आपका ग्रोइंग एज होती है, और हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, तो उसी से कारण हमें अलग जब बातें आती हैं। तो ये तो है, पर अगर आपको हो गया और आपको एकदम फंस गए हैं आप इसमें, तो कैसे हटे? तो आज मैं आपको उसका 5 उपाय बताऊंगी जिससे आप घर बैठे बैठे ही ठीक हो जाए और ये सब बकवास की बातें आपको सर में ना आए। पर उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ये मेरा हाथ है, मुझे खुजली हो रही है, मैंने खुजली किया पर इतने कस के रगड़ा कि मेरा पूरा रेडिश हो गया मेरा हाथ, तो ये कैसे? मेरी लापरवाही, मैंने इतने कस के रगड़ा ही क्यों? तो इसी के कारण जब ये रगड़ लेते हैं हम, तो मुझे क्रीम लगानी चाहिए। तो इसे हटाने के लिए कुछ देर बाद तो वो हटेगी ना, तो उसी के उपाय, पहला उपाय कैसे ठीक करें वो है अनुलोम विलोम। जी हाँ, ये सुबह, देखिए जैसे सुबह का टाइम होता है वो आपका फ्रेश अप होने का होता है, 6 से लेके आप 8 8:30 तक ये कभी भी कर सकते हैं। पर अनुलोम विलोम ऐसी चीज़ है, कभी भी आप पढ़ रहे हो और आपको अजीब से विचार आ गए, अरे वो ऐसे हो रहा था, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उस समय आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। इसे कैसे करना है? एक नाक पर उंगली रखनी है और ऐसे आपको रोक के रखना है और यहाँ से आपको बाहर निकालने अपनी जो वो सांस है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इसको आप कभी भी जब आपको वैसे विचार आए तब 10 से 20 बार कर सकते हैं और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको ठीक हो जाएगा। पर तब आपको अपने अनुलोम विलोम पर ही फोकस करना है, ना कि दूसरी बातों पर। तो दूसरा है वॉकिंग करना, वॉकिंग करना। जी हाँ, अगर आपको उस समय आए तो क्या करना है हमें, तो आपको वॉकिंग करना है इधर से उधर, अभी घर पूरे घर पे का एक चक्कर लगा लो। जी हाँ, अगर आप लगा लेंगे तब आपको अच्छा लगेगा, ये बकवास की बातें नहीं आएंगी, तीसरा चली जाएंगी। और तीसरा, मेडिटेशन। जी हाँ, मेडिटेशन में आपको ये नहीं, आपने वीडियोस में सुना होगा पर कुछ कुछ बातें हैं जो है मेरे वीडियो में न्यू मिलेंगी आपको। मेडिटेशन करते वक्त आपको ये नहीं कि आंख बंद करके बैठे रहना है, अपनी आईब्रो के इधर इधर आप ध्यान लगाएंगे, बीच में आईब्रोज के ये देखिए ये पॉइंट जो है वहाँ ध्यान लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, सोचिए सोचिए, उससे आपके जो विचार अजीब अजीब से आएंगे वो चले जाएंगे। और बोनस पॉइंट ये है कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ कि कभी भी फोर्स मत कीजिए कि नहीं नहीं हमें ना आए ना आए, ये सबके साथ होता है, ये ग्रोइंग एज है। और फोर्थ पॉइंट है, मेडिटेशन तो करना ही है, आप पहले करें तो आप 1 से 2 मिनट, फिर 3 से 4 मिनट, 5 से 7 मिनट बच्चों के लिए ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है मेडिटेशन, मेडिटेशन। जी हाँ, फोर्थ पॉइंट है डायरी लिखना। जी हाँ, डायरी लिखने में आपको क्या करना है, आपको इससे आपकी अच्छी बुरी यादें सब लिख देंगे और जब आप बड़े होंगे तब आपको लगेगा वाह हमने क्या क्या बचपन में हम सोचते थे, आज हम कितने बड़े हो गए। तो आपके लिए वो एक समझ लीजिए, वो आपका एक याद रहेगा, मेमोरी, हिस्ट्री बन जाएगी आपके लिए और ये आपको बहुत मदद करेगा। आप अपने मम्मी पापा से भी, अगर आपको ऐसी बातें आती हैं उससे भी विचार ले सकते हैं, पर आपको डायरी लिखने में भी बहुत आराम मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट है किताबें पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये शायद आपको क्रिएटिव काम करना, अपनी हॉबीज़ को करना, आप पेंटिंग किसी को पसंद है, किसी को कैलीग्राफी, किसी को ओरिगेमी बनाना, किसी को किताबें पढ़ना, किसी को कुछ भी, जैसे कि आपको जो भी, मैंने किसी को कुकिंग होता है, किसी को कुछ भी, जो भी आपकी हॉबी हो, किसी को गेम्स खेलना, तो उसे करिए,
उससे क्या होगा, आपका मन बटा रहेगा और ऐसी क्रिएटिव चीजें करिए कि कंसंट्रेशन क्रिएट होगी और ऐसी खराब खराब बातें ना आएंगी। उसके लिए आपको ये नहीं है कि एक हफ्ते आपने अभी मेरा वीडियो देखा, एक हफ्ते बाद या एक दिन बाद करे अरे हमें अभी भी आती है, नहीं नहीं एक दो महीने से कुछ नहीं होगा जनाब, आपको 2 से 3 महीने करना है और इससे लगातार आपको करना। ये नहीं कि अरे अरे आज छोड़ देते हैं, आज सैटरडे आज संडे, ऐसे नहीं, तब आपको तो आपका दिमाग वहीं के वहीं लटका रहेगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि पेन है मेरे हाथ में, मैंने घिस दिया अपने हाथ में और वहाँ काला सा निशान हो गया, जब काला सा निशान हो गया अब उसे पानी से छुटाना पड़ेगा मुझे, तो वैसे ही आपका मन है, आपको उस काले से चीज़ को हटाना है ना। और मैंने मॉस्किटो का भी दिया था कि यही आपका मन है, अगर आप ऐसे खींच लेंगे तो ये आपकी ही गलती है, दबाइए मत, आ रहा है, जब आप मेडिटेशन कर रहे तो उसे आने दीजिए। कुछ आपको ये नहीं है कि नहीं रोकना, नहीं नहीं क्यों हो रहा है, नहीं जनाब, आपको सिर्फ रोकना नहीं है, उसे आने देना है। और मुझे लगता है कि आपका ये जल्द से जल्द आपको ठीक हो जाएगा। मेरा भी एक देखिए, जैसे कि आजकल कार्टून्स फोन जिसमें आते रहते, तो लव सीन जो होते हैं ना, तो मैं उसी का उसके साथ जो होता है जो मैंने देखा वो अपने सपने में, अपने साथ नहीं उसी आदमी के उसके साथ देखती थी। आप देखिए आगे ये कैसे बढ़ता है, आप जब पढ़ते रहेंगे तब आपको लगेगा अरे वो तो ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ हाँ, तो आपको लगे आप उसमें आपका पढ़ाई में मन बढ़ जाएगा और आपको लगेगा अभी नहीं करना है, अभी नहीं करना। आप उठिए, वॉकिंग करिए, अपने घर का चक्कर लगाइए, अनुलोम विलोम करिए और आपका जल्द से जल्द ये ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो कुछ अनोखी सी थी, और ऐसी अनोखी वीडियोज़ को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए और मेरी शब्दों के सफ़र फेसबुक पेज को फॉलो लाइक शेयर करिए। बाय दोस्तों, अब हम अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।